मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपको इंग्लिश स्टोरी का डेमो मैंने आपको दे दिया था और कैसे करना ये भी मैंने बहुत ही आराम आराम से करके आपको बताया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी की एक स्टोरी जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी से है। न्यू एनसीईआरटी के बुक का नाम है आपका सारंगी। आपको ये भी याद रखना, हो सकता है इंटरव्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि पहले कौन सी बुक चलती थी और अब कौन सी चल रही है। तो पहले आपको पता ही होगा रिमझिम नाम से चलती थी और अब सारंगी हो चुकी है। तो आज हम लोग इसी सारंगी बुक की एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है नीमा की दादी। ठीक है, ये नीमा की दादी एक स्टोरी है और आपको किस तरीके से बच्चों को बताना है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में बताना है और आप लोग कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डेमो जो कि है हिंदी की स्टोरी नीमा की दादी क्लास सेकेंड की, जिसका जो बुक है उसका नाम है सारंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं क्या? अच्छा, तो आप सभी लोग एक साथ बताइए कि आज दिनांक क्या है? आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 18 सितंबर 2023, है ना? आज क्या है? 18 सितंबर 2023। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का विषय क्या रहेगा आज का? आज का हम लोग का विषय है हिंदी। हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग बताइए कि आपके घर में दादा दादी हैं, है ना? हैं। अच्छा, तो वो लोग क्या आपके साथ खेलते हैं आपके साथ? आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते होंगे और अब जब आप लोग यहाँ से स्कूल से घर जाते होंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या किए हो ये सब बातें आप लोग अपने दादा दादी को बताते होंगे ना? वेरी गुड। और आप लोग उनके साथ खेलते भी होंगे, वो लोग आपको कहानी भी सुनाते हैं। अच्छा, तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो है नीमा की दादी, है ना? हम लोग कहानी पढ़ेंगे किसकी? नीमा की दादी की। ये भी आप लोगों की तरह से छोटी सी बच्ची है और अपने बारे में अपनी दादी को बहुत कुछ बताती है, है ना? क्या बताती है? बहुत कुछ बताती है। नीमा कैसी है? नीमा तो एक छोटी सी बच्ची है ना? और ये स्कूल में पढ़ती है और क्या करती है, जब घर आती है तो अपने दादी के साथ अपनी बातों को शेयर करती है, है ना? ये नीमा छोटी सी बच्ची है और उसकी दादी है। तो हम लोग इसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो फिर घर जाते हो, ऐसे ही नीमा भी स्कूल आती है। ठीक है, अब ये कहानी शुरू हो गई। ठीक है, नीमा क्या है? एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और वो क्या करती है, वो तो रोज स्कूल जाती है, है ना? रोज स्कूल जाती है नीमा और फिर दोपहर में घर वापस आ जाती है। तो घर पे जब वापस आती है तो रहती है वहां पे उसकी इंतजार करती हुई उसको दादी दिखती है ना? दादी उसका हमेशा इंतजार करती है। जब वो स्कूल जाती है तो उसको अच्छे से टिफिन बॉक्स ये सब कुछ पैक करके दे देती है। फिर जब वो आती है तो फिर से जब वो दादी क्या मिलती है उसको, क्या करती है उसकी दादी, तो सब्जी काटती रहती है, है ना? हो सकता है दोपहर का या फिर शाम का खाना बनाना हो तो वो क्या करती है, सब्जी को काटती रहती है। ठीक है, खूब ढेर सारी सब्जियों को वो आराम आराम से काटती है। जब नीमा स्कूल से घर वापस आती है तब, ठीक है, और उसकी दादी ना हमेशा घर पे ही रहा करती थी, वो कहीं बाहर नहीं जाती थी। अब बाहर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द हुआ करता था और वो जब नीमा अपने स्कूल से वापस आती थी तो कभी कभी वो सब्जी काटती हुई दिखती थी और कभी कभी अपने पैर पे घुटनों पे मालिश करते हुए, तेलों की मालिश करते हुए दिखती थी क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था, है ना? तो कभी कभी बैठ के सब्जी काटा करती थी और कभी कभी अपने घुटनों पर मालिश किया करती थी। तो जब नीमा स्कूल से वापस घर आती थी तो वो खाना खाते खाते अपनी सारी स्कूल की बातें अपनी दादी को बताया करती थी। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल से घर जाते होगे अपनी सारी बातें बताते होगे, वैसे नीमा भी स्कूल से घर आती थी और खाना खाते खाते अपनी सारी बातें अपनी दादी को बता देती थी। ठीक है, फिर जब शाम होती थी तो नीमा तो वो बाहर जाना चाहती है खेलने के लिए, तो उसकी दादी बोलती है, अरे नीमा रुको थोड़ा बैठो। तो वो क्या बोलती है, अरे नहीं दादी, मैं घर पे बैठ के एकदम बोर हो जाती हूँ, मुझे तो घर पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए अभी 5 बज रहे हैं, अभी तो 10 मिनट में 6 बज जाएंगे, है ना? 10 मिनट में कभी 6 बजते हैं क्या? लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि जब वो बोल रही है कि अभी तो 5 बज रहे हैं, अभी 10 मिनट में मैं खेल के वापस आ जाऊंगी और 6 बज जाएंगे, तो उसकी दादी जोर से हंसने लगती है, है ना? और फिर वो भी उनके साथ बाहर चली जाती है खेलने के लिए, क्योंकि नीमा क्या करती है, उनका हाथ पकड़ के ले चलती है, चलिए दादी आप भी मेरे साथ चलिए, आपका भी समय बहुत ही जल्दी से बीत जाएगा, अभी तो 10 मिनट में 6 बज जाएगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या कि ये 5 बज रहे हैं, फिर नीमा ऐसा क्यों बोलती है कि अभी तो 10 ही मिनट में 6 कैसे बज रहा है? किसी को पता है?
मैं बताती हूँ, 10 मिनट में 6 इसलिए बच जा रहा है क्योंकि नीमा खेलने में इतनी ज्यादा मस्त हो जाती है, इतनी मगन हो जाती है कि उसको समय का पता ही नहीं चलता है और ऐसा लगता है कि बस 10 ही मिनट में 6 बज गए हैं। तो वो अपनी दादी को भी साथ लेके जाती है और फिर वो लोग खेल के वापस आते हैं, है ना। तो ये रही आपकी छोटी सी कहानी जिसका नाम है नीमा की दादी। तो सबको सुन के अच्छा लगा ना, जैसे कि नीमा अपने घर पे जाके सारी बातें बता रही है, शाम को जाके खेल रही है, वैसे आप लोग भी स्कूल जाते होगे और आके सारी बातें बता के फिर शाम को खेलते होगे। तो सबको पसंद आया। तो मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग घर से करके लाएंगे कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी, आप सबको मैंने बताया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के ले आएंगे, ओके। तो ये है हिंदी की छोटी सी स्टोरी जिसका नाम है नीमा की दादी। ये चैप्टर नंबर 2 है, बुक का नाम है सारंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं, आप लोग इसमें थोड़ा सा एक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से बताएंगे तो ये हिंदी का डेमो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।